छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बघेल सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के समय शराबबंदी के लिए खूब नारे लगाती रही, लेकिन आज उससे भाग रही है। वहीं रमन सिंह ने प्रदेश के खराब सड़कों की हालत पर वार करते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि बघेल सरकार ने पिछले 4 सालों में कितनी सड़कें बनाई हैं। सीएम बघेल पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि केवल पाटन क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। 14 और 12 विधानसभा में जो राशि खर्च हो रही है 1300 करोड़ और 1700 करोड़ अकेले पाटन में, ये जो राशि है 4 वर्ष की वो 1700 करोड़, यानी भूपेश बघेल की प्राथमिकता सिर्फ पाटन दिखता है और पाटन के सिवाय कहीं की सड़कें उसको दिखती नहीं है। ये आंकड़े छत्तीसगढ़ की जनता को मालूम होना चाहिए, जानना चाहिए कि आज सड़कों की हालत यदि खराब हुई है तो स्थिति क्या है। राहुल गांधी सब जगह यात्रा में जा रहा है, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं आ रहा है? राहुल गांधी को मालूम हो गया था छत्तीसगढ़ की सड़कें कैसी है और उस सड़क में वो चल नहीं सकता, इसलिए राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। ये स्थिति इस राज्य की है।